अंजलि बाबी, देखिए इंसान में सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसका अपना चरित्र। और मेहता साहब का चरित्र तो परम ऊंचाई पे, और जब वो कह रहे कि उन्होंने पिज्जा नहीं खाया तो नहीं खाया। पर आज तक का रिकॉर्ड है, इतने सालों में मेहता साहब ने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। नहीं नहीं बोला, नहीं बोला। जेठा भाई, आपसे झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन आज उन्होंने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पिज्जा तो उन्होंने ही खाया। अगर नहीं खाया है तो साबित कर दीजिए कि नहीं खाया है। ठीक है, आप मुझे यह बताइए अंजलि भाभी, क्या आपने अपने सगी आंखों से मेहता साहब का पिज्जा खाते हुए देखा है? आंखों से पिज्जा खाते हुए नहीं देखा है, लेकिन जब वो पिज्जा का डब्बा फेंकने जा रहे थे तब उन्हें देखा। और इंसान पिज्जा का डब्बा कब फेंकता है? जब वो पिज्जा खा चुका होता है। अंजलि भाभी सही कह रही है। देखिए, हम सबको ये लगता है कि पिज्जा मेहता साहब ने खाया है। अरे आप लोगों को लग रहा है तो गलत लग रहा है, मैंने नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया मैंने। तो पिज्जा का डब्बा घर में आया कैसे? बिल्ली है? बिल्ली? बिल्ली? अरे मुंह के आगे बोलो। शांता भाई, जरा बता रहा हूँ भाई, दो मिनट जरा शांति रख। हो सकता है कि चूहा मेहता साहब के घर में घुस गया हो, उसके पीछे चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली भी घर में घुस गई हो, और चूहा दौड़ के पिज्जे के बॉक्स में घुस गया हो। तो बिल्ली बिल्ली होगी। हो सकता है। जेठालाल, सवाल ये नहीं है कि बिल्ली और चूहा घर में कैसे घुसे, सवाल ये है कि पिज्जा का बॉक्स घर में कैसे घुसा। अरे हाँ, पिज्जा का बॉक्स घर में कहाँ से आया मेहता साहब? जेठालाल, वही तो सवाल है, इसी का उत्तर तो ढूंढने की कोशिश करें कि कहाँ से आया पिज्जा का बॉक्स घर में। वैसे भी ये बिल्ली चूहा हमारे घर में घुस ही नहीं सकते, क्योंकि जब मैं बाहर जा रही थी तब मैंने सारी खिड़कियाँ अंदर से बंद कर दी थी। क्या? अरे आपको मुझे बताना चाहिए ना सारी खिड़कियाँ बंद है करके। तो तुम्हें भी मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम मेरे घर में बिल्ली और चूहा घुसाने वाले हो। नहीं नहीं, चूहा बिल्ली नहीं है, उसको भूल जाओ, सॉरी, वो नहीं हो सकता। माता, आत्मा, आत्मा भी? अरे आत्मा राम थोड़ी बोला मैं क्या बोला, आत्मा, सिर्फ आत्मा, नुष्टी आत्मा जो दिखती नहीं है। कैसे कहे? अरे शांत ना बाबा, जरा शांतता ठेव भाई, बना रहा बता रहा हूँ। तुला तो सगळे एकदम इंटरेस्टिंग पाहिजे। अरे इंस्टंट म्हणता जेठालाल, इंटेस्टाइन नाही, मी तर आतडीच काढली। तो आत्मा का क्या, बराबर ना? तो आत्मा का ऐसा है क्या, मान लो कोई ऐसे अतृप्त आत्मा हो जिसकी आखिरी इच्छा पिज्जा खाने की हो, और वो कहीं से भी पिज्जा लाके कोई खाली जगह ढूंढ रही हो कि जहां वो शांति से बैठ के पिज्जा खा सके। कोई इंसान उसको उसको वो क्या बोलता है, डिस्टर्ब ना करे। तो चूंकि मेहता साहब और अंजलि बाबी दोनों अपने घर में नहीं थे, तो इनका घर खाली था, तो हो सकता है आत्मा वो पिज्जा लेके इनके घर में आई, और जैसे ही पिज्जा खाया उसकी अतृप्त इच्छा है वो तृप्त हो गई, और इच्छा तृप्त हो गई तो वो मुक्त हो गई, और मुक्त हो गई तो वो लुप्त हो गई, और लुप्त होते ही फिर वो बॉक्स पिज्जा का इधर ही रह गया घर में। ये
जेठालाल काय बोलते, क्या बोल रहे हो तुम? आत्मा आई, लुप्त हो गई, मुक्त हो गई। अरे 21वीं सदी मेहता साहब, तुम्हारा पट्टे है, आपको पता है वो क्या बोल रहा है? क्या बोलूं मैं? सही सही जा रहा है, टेंशन मत। यार फ्रेंड्स, ये पिज्जा के बॉक्स का झगड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैनू लगता है अंजलि आंटी मानने ही नहीं वाली है। यार लेकिन फ्रेंड्स, हमें तो मेहता अंकल को बचाना पड़ेगा ना। ओ टपू सेना, क्या अंदर अंदर क्या खुसर बुसर हो रही है? कुछ नहीं बाबा, वो हम यही सब सोच रहे थे कि मेहता अंकल के घर पिज्जा का डब्बा आया तो आखिर आया कैसे? हाँ। हाँ। हाँ।